नमस्कार जे के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है आज की कक्षा में हम वर्ग दो के गणित के पाठ घटाओ और इसके अंतर्गत दो अंकों वाली संख्याओं का घटाओ दो अंकों वाली संख्याओं का घटाओ हासिल वाला इसकी चर्चा करेंगे इसके पहले के कक्षा में हमने बिना हासिल वाला घटाव सीखा था दो अंकों की संख्याओं के बिना हासिल वाला घटाव सीखा था आज हम सीखेंगे हासिल वाला घटाव मेरे मास्टर जी ने एक बार पेंसिल बांटने की सोची और वो पेंसिल लेकर आए उनके पास तेरह पेंसिलें थी और उसमें से वो नौ पेंसिल बांटना चाहते थे नौ बच्चों को जो गणित में अच्छा करते थे आ, उन्होंने गणित में अच्छे नंबर लाए थे उन्हें नौ 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 बच्चे थे उन्हें आ, पेंसिल बांटनी थी और उनके पास पेंसिलें थी तेरह उन्होंने बच्चों से ही पूछा कि ये बताओ कि कैसे बांटा जाए मेरे पास खुले तो तीन ही हैं तीन खुले पेंसिल हैं और एक दस पेंसिल का पैकेट है तो किस तरह से बांटा जाए नौ बच्चों को आप क्या बता सकते हैं खैर मैं भी उस समय नहीं बता पाया था लेकिन मेरा एक जो दोस्त था उसने सही जवाब दिया था आ, आप, आप भी कोशिश करें और मैं बताता हूं कि मेरे दोस्त ने किस तरह से उसका हल निकाला था ये एक बंडल है ये पेंसिल नहीं हमने एक कमाची लिया है पेंसिल की जगह और इस बंडल में दस कमाची है और यहाँ तीन खुले पेंसिल हैं तो ये तेरह पेंसिलें की जगह हमने तेरह कमाची लिया है तीन खुले हुए कमाची हैं और एक बंडल है दस का अब इसमें से हमें नौ आ, कमाची बांटना है मास्टर ने पेंसिल बाँटा था लेकिन हमारे पास पेंसिल नहीं है हम कमाची से ही इसे समझते हैं तो क्या कर सकते हैं हम हमारे पास खुले हुए तो तीन ही हैं और हमें नौ बच्चों को बाँटना है तो हम क्या कर सकते हैं इस बंडल में से को खोल देते हैं और खोलकर तीन हमारे पहले से है और इसमें से छह निकाल लेते हैं एक पूरे बंडल खोल दे रहे हैं है ना आ, तो ये पूरे हमारे हो गए कितने ये तेरह हो गए पूरे पहले से तीन थे और ये दस को हमने खोल दिया अब इसमें से ये तेरह हो गए हमारे खुले हुए अब इसमें से हमें आ, नौ निकालने हैं तो हम नौ निकाल देते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ ये नौ हमने यहाँ इसमें से निकाल दिया ये नौ तो हमारे पास कितने बच गए यहाँ देखेंगे एक दो तीन चार ये चार हमारे पास बच गए तो ये हमारे हो गए कितने चार तो तेरह में से हमने नौ घटा दिया तो हमको मिला चार। इसे और अब हम आ, समझते हैं कुछ और यह हमने लिया है टूथपिक ये टूथपिक हमने लिया एक बंडल आ, दो बंडल यानी बीस हो गए दो बंडल में दो बंडल में बीस हो गए और ये तीसरा बंडल हमने लिया तीन बंडल और हमने खुले हुए कमाच टूथपिक लिए एक दो तीन तो ये हमारे हो गए कितने कितने यहाँ पर टूथपिक हो गए ये तीन दस के बंडल और खुले हुए भी तीन अब इसमें से हमें यदि पच्चीस घटाना है यानी पच्चीस इसमें से निकालना है तैतीस से पच्चीस हमें घटाना है तीन हमारे बंडल है दस दस के और तीन खुले हुए तो हम देखेंगे कि ये तीन से पांच तो हम नहीं घटा सकते हैं तो क्या करेंगे इस बंडल को हम खोल देते हैं एक बंडल को तो एक बंडल को हमने खोल दिया तो ये अब हमारे हो गए दस और तीन तेरह तेरह में से आ, ये तेरह जो खुले हुए हैं इसमें से हमें पांच निकालना है तो ये हमने पांच निकाल दिया एक दो तीन चार पांच तो अब हमारे पास कितने बच गए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ अब ये हमारे पास बच गए आठ ये तेरह में से हमने पांच हटा दिया तो बच गए आठ अब हमें दो घटाने हैं किस से दहाई से है ना तो दो तो ये दो हमने हटा लिए ये हमने हटा लिए तो वास्तव में हमारे पास दहाई में कितने बचे यहां पर शून्य कुछ भी नहीं बचा तो ये हो गया शून्य अब कुछ और प्रश्न हम देखते हैं अब हम दस दस के चार बंडल ले रहे हैं दस दस के चार बंडल और इधर लेते हैं पांच, एक दो तीन चार पांच। तो ये हमारे है चार बंडल यानी ये चार और इधर है इकाई में पांच। चार दस दस के बंडल है और खुले हुए हैं हमारे पास पांच और इसमें से हमें घटाना है सत्ताईस तो पैतालीस से सत्ताईस हमें घटाना है तो आइए देखते हैं कैसे घटाते हैं ये हमारे पास दस दस के बंडल हो गए चार और खुले हुए पांच पांच से सात हम नहीं घटा सकते हैं तो क्या करेंगे हम इस एक दस वाले बंडल से हम इसे खोलकर इसे खुला कर देते हैं खोल देते हैं इसे तो अब ये दस हमने यहाँ मिला दिया तो ये कितने हो गए पहले से थे पाँच और ये दस हो गए पंद्रह हो गए और इसमें से सात हम घटाएंगे तो हम सात निकाल देते हैं तीन चार पाँच छ सात ये सात हमने इस पंद्रह में से सात हटा दिए अब कितने बच गए हमारे पास एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ ये हमारे पास बच गए आठ ये हमने सात हटा दिया ये आठ अब देख रहे हैं कि हमारे पास बचे हुए हैं कितने आ, दस वाले बंडल तीन लेकिन हमें इससे घटाना है दो तो ये दो हमने हटा लिया अब देख रहे हैं कि दस वाले बंडल हमारे कितने बच गए एक तो यहां हो गया हमारा एक तो इस तरह से हम हासिल वाले घटाव को समझते हैं अभी हमने कमाचियों और टूथपिक के सहायता से हासिल वाले घटाव को समझा था दो अंकों वाली संख्याओं के हासिल वाले घटाव को समझाता है। अब आइए हम लोग कुछ और प्रश्न को हल करते हैं पहला प्रश्न है 35 घटाओ अठारह अब हम लोग चूंकि हमारी अवधारणा स्पष्ट हो चुकी है हमने गतिविधि के माध्यम से सीख सीख चुका है हमने हमने कमाचियों का माध्यम सहायता लिया और तृत्पिक का सहायता आप माचिस की तिल्लियों की भी सहायता ले सकते हैं तो अब हम चूंकि सीख चुके हैं तो अब हम समझ रहे हैं इसे ये हमारे इकाई में पाँच है और यहाँ इकाई में आठ है तो पाँच से आठ नहीं घट रहा है तो हम यह दहाई से एक लेते हैं यानी ये एक लेकर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ये इकाई में कितने बन जाएंगे ये दस हो गए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये पहले से पांच थे तो ये हो गए एक दो तीन चार पाँच ये पंद्रह हो गए है ना तो इस पंद्रह से हम आठ घटाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ अब कितने बच गए एक दो तीन चार पांच छ सात ये सात घट गए इस तीन से दहाई के एक तीन से यानी एक बंडल से हमने खोलकर कर यहाँ दस ले लिया था इकाई में तो यहाँ पर हमारे दहाई वाले में कितने बच गए दो तो इस दो से एक घटाएंगे तो हमारा आएगा एक एक, एक और प्रश्न लेते हैं बयालीस घटाओ पैतीस यहां हम देख रहे हैं इकाई में हमारा दो है और यहां हमें घटाना है पांच तो दो से पांच चूंकि नहीं घट सकता है तो हम इस दहाई वाले से एक उधार लेंगे हासिल लेंगे तो यहां से एक हम हासिल लेंगे तो ये वास्तव में कितना हासिल दिया जाएगा दस इकाई एक दहाई का हासिल अगर हम इधर लेते हैं तो वो दस इकाई बन जाएगा यानी ये दो कितना बन जाएगा बारह इधर से एक लिए और ये दो है तो एक अर्थात दस और दस और दो बारह तो इस बारह से पांच हम घटाएंगे तो हमारा आएगा सात और यहां से चूंकि हम एक दहाई निकाल चुके थे तो यहां पर बच गया हमारा तीन तो तीन से तीन हमने घटाया तो क्या बच गया हमारा शून्य आइए एक और प्रश्न लेते हैं आ, ये बिरासी घटाओ ये सैतीस अब तक आप काफी समझ चुके होंगे अब थोड़ा सा जल्दी से करेंगे ये इकाई में दो है और यहां इकाई में सात है तो हम यहां से एक हासिल लेंगे अर्थात वो दस इकाई हासिल हो गया दहाई से एक लेंगे अर्थात दस लेंगे तो ये दस और दो बारह हो गया बारह से सात हमारा आ गया पांच और यहां से हमने एक हासिल ले लिया था तो ये बच गया हमारा सात तो सात से तीन आ गया चार आज की कक्षा में हमने दो अंकों वाली संख्याओं का घटाव आ, हासिल वाला सीखा हमने गतिविधि के माध्यम से इस अवधारणा को स्पष्ट करने की कोशिश की हमने गतिविधि में कमाचियों की सहायता ली टूथपिक की सहायता ली आप इस गतिविधि को स्वयं भी कर सकते हैं और अवश्य करें कमाचियों की सहायता से करें टूथपिक की सहायता से करें या आपके घर में माचिस की तिलियां तो जरूर होंगी आप उनकी सहायता लें और उसके बाद आप आपके पुस्तक में जितने भी अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं इन सभी प्रश्नों को आप हल करें धन्यवाद